Class 9. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. Textbook Beehive. Lesson number 3. Page number 34. Line number 6. One day, while she was kept indoors with a cold, इंडोर इसलिए रखा गया कि उसको सर्दी जुकाम था, विथ अ कोल्ड, उसको सर्दी जुकाम था. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन. पिन कुशन पिन गद्दा और गिफ्ट, गिफ्ट में देने के लिए आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. उसने कहा कि पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से, ब्यूटीफुल पीस से उपहार स्वरूप एक पिन का गद्दा, पिन का कुशन बनाओ. ऐसा ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया, ग्रैंडमदर ने सुझाव दिया, कहा पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से उपहार के रूप में देने के लिए या उपहार स्वरूप एक पिन कुशन बनाओ, एक पिन का गद्दा बनाओ. लबोरियसली मीनिंग विथ ग्रेट एफर्ट, लबोरियसली विथ ग्रेट एफर्ट. With a double cotton, दोहरा सूती कपड़ा लेकर, दोहरा सूती कपड़ा लेकर ग्रेट एफर्ट से द लिटल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड्स. तीन ओर की उसने सिलाई कर दिया, स्टिच में सिलाई करना. स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, नौ नगद न तेरा उधार. The little girl stitched three sides, but what will it be? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into, went into mother's bedroom to look for scraps. To look for कपड़े के टुकड़े, scraps English meaning given है, small pieces of cloth or paper etc. that are not needed. कागज या कपड़े के टुकड़े. On the bed table she discovered with found. Discovered means found a
अग्रेड मिनिस्ट्री टू अपॉइंट पीपल गैदर्ड देम कलेक्टेड देम उन्हें समेटा गैदर्ड देम कलेक्टेड देम उन्हें समेटा टॉर देम इनटू मेनी पीसेस कई टुकड़ों किया है डिस्टर्ब्ड हर केस फील्ड डिस्टर्बेंस फील्ड हर केस दिन सोड ऑफ द फोर्थ साइड और फिर चौथी साइड की सिलाई किया दैट नाइट देयर वाज अ यू एंड क्राई देयर वाज अ शोरगुल यू एंड क्राई शोरगुल इन द हाउस फादर्स ग्रेट स्पीच भाषण फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट खो गया रूम्स वर सर्च कमरों की धारिणी की सर्वेंट्स क्वेश्चन सर्वेंट से पूछताछ की गई रूम्स वर सर्च रूम्स की तलाशी ली गई सर्वेंट्स क्वेश्चन नौकरों से पूछताछ की गई आज मदर केम इनटू केजियाज वो केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन योर रूम सम मीन्स एनी Some meaning any. I suppose you didn't see some papers means any papers. I suppose means think. कि तुमने कोई पेपर नहीं देखा अपने टेबल पर अपने रूम में वो ये शीशे है अरे हाँ उसने कहा हैरानी में उसने कहा I tore them up for my purpose. और मैंने तो उनको फाड़ दिया हैरानी में और मैं सरप्राइज अपनी हैरानी में मैंने उनको फाड़ दिया मैं उनको देख के हैरान थी और मैंने उनको फाड़ दिया व्हाट स्क्रीम्ड मदर स्क्रीम्ड श्रीक्ट SHRIEKEE स्क्रीन में शीट चीखी चिल्लाई कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट कम स्ट्रेट सीधे नीचे आओ डाइनिंग रूम में इसी वक्त This is turned at this very moment and she was dragged down to where father was pacing to and fro aur use dragged down ghasit kar le aaya gaya ghasit kar wahan laya gaya jahan pe papa जहाँ पे पापा टू एंड फ्रो पेसिंग कर रहे थे घूम रहे थे वॉकिंग कर रहे थे जहाँ पापा आगे पीछे घूम रहे थे हैंड्स बिहाइंड हिज बैक हाथ उनकी पीठ के पीछे वेल ही सेड शॉर्पली शॉर्पली की मीनिंग है आवेश पूर्वक आवेश पूर्वक वेल क्वेश्चन मार्क क्या हुआ वेल मीन क्या हुआ वेल ही सेड शॉर्पली आवेश पूर्वक का मदर एक्सप्लेन मदर ने समझाया ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड वो रुका रुके और चाइल्ड की ओर घूर कर देखा डिड यू डू दैट क्या तुमने ये शैतानी किया इसकी मीनिंग पूरी की लीजिए डिड यू डू दैट क्या तुमने वह शैतानी
कि क्या तुमने वह शैतानी की? विस्तार, उसने धीरे से कहा कि नहीं, मगर गो अप टू योर रूम एंड पैक डाउन द डैम्ड थिंग, उसके कमरे में जाओ और फैच मीन्स ब्रिंग ले आओ। डैम थिंग किसी को रेफर कर रहा है यहाँ पे? डैम थिंग पिन कुशन, गो अप टू अर रूम एंड पेट डाउन द डैम थिंग। डैम थिंग यहाँ रेफरेंस उसका है पिन कुशन से। See that the child has put to, is a child is put to bed this instant, और child को बच्ची को this instant इसी क्षण at this very moment बच्ची को इसी क्षण put to bed बिस्तर पर लिटा, बच्ची को इसी वक्त बिस्तर पर लिटा। नाउ पेज नंबर 35। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स स्पष्टीकरण देना। स्पष्टीकरण देने के लिए ट्राइंग टू मच बेचैन, क्राइंग टू मच बेचैन किस लिए? टू एक्सप्लेन, अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बेचैन। सीले इन द शैडोड रूम watching the evening light make a sad visual pattern. She lay laid gayi in the shadowed room, dark room, andhera kamra, shadowed room, dark room, andhera kamra, watching the evening light. इवनिंग लाइट को वॉच करते हुए, इवनिंग लाइट को देखते हुए, मेक अ सैड लिटल पैटर्न ऑन द फ्लोर। वॉचिंग करती रही, देखती रही इवनिंग लाइट को, मेक अ सैड लिटल पैटर्न। पैटर्न में मॉडल, पैटर्न में नमूना, साइड में उदास, उदास नमूनों की तरफ देखती रही और जो कि फर्श पर थे। तो सीले इन द शैडोड रूम, अंधेरे कमरे में लेट गई। पहले उसने स्पष्टीकरण देने के लिए बेचैन थी, बहुत चिल्ला रही थी स्पष्टीकरण देने के लिए, और वो लेट गई डार्क रूम में। रोशनी में फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को देखती रही।
वॉचिंग करती रही, डेली लाइफ मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। दीवार पे बल्ब जल रहा है, लाइट जल रही है छत पे, मतलब दीवार पे, तो आप फर्श पर वॉच कीजिए, ध्यान दीजिए। तो कभी कभी फ्लोर पर, फर्श पर कुछ किसी चीज़ के नमूने बन जाते हैं, उसी को देखती रही। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। तो फादर कमरे के अंदर आए, हाथ में एक रूलर लिए हुए, रूलर मीन बैटन, दूसरी मीनिंग स्टिक, बैटन स्टिक छड़ी, BATON बैटन, STIC की स्टिक छड़ी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, फादर सेड, I am going to beat you means I shall punish you for this mischief. I am going to beat you for this means I shall punish you for this mischief. तुम्हारी शराब के लिए मैं तुमको दंड दूंगा। Oh no, she screamed, hiding under the bed. वो चिल्लाई, बिस्तर के नीचे छिपने लगी, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, बिस्तर के नीचे छिपने लगी। ही पुल्ड देम असाइड, बेड क्लोथ को फादर ने एक बगल किया, खींच के एक बगल किया, असाइड मीन्स एक बगल, एक बगल किया, सीट अप, उठकर बैठो, सीट अप, उठकर बैठो। होल्ड आउट एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बढ़ाओ। You must be taught once and for all means finally. Hindi meaning एक बार, सदा के लिए, once and for all, एक बार सदा के लिए। You must be taught, तुमको सबक मिलना चाहिए सदा के लिए, एक बार सदा के लिए। Not to touch what does not belong to you, कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको तुम्हें नहीं छूना है। Not to touch, न छूना, What does not belong to you, जिस तुमसे belong नहीं करती जो चीज। But it was for your birthday, लेकिन ये तो आपके birthday के लिए था। Down came the ruler on a little pant combs, बच्ची के लिटल छोटी पिंक गुलाबी पॉम्स हथेलियों पर ग्राउंड केंद्र रूलर छड़ी पड़ी, बच्ची के छोटी गुलाबी हथेलियों पर ग्राउंड केंद्र रूलर छड़ी पड़ी। आवर्स लेटर, घंटों बाद, फादर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल। जब दादी माँ ने उसको एक साल में विशाला में लपेट दिया एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर आराम कुर्सी,
और आराम कुर्सी में उसको झुलाया। झुलाया कैसे? रॉकिंग द रॉकिंग चेयर। ग्रैंड मदर ने उसको साल में लपेट दिया और उसे आराम कुर्सी पर झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू अ सॉफ्ट बॉडी। चाइल्ड जो है ग्रैंड मदर के मुलायम शरीर से चिपट गई। क्लंग भी चिपट गई। द चाइल्ड बची ग्रैंड मदर के हर आया ग्रैंड मदर के लिए मुलायम शरीर से सॉफ्ट बॉडी से क्लंग चिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक बॉदर फॉर शी सॉफ्ट। रोते हुए उसने कहा, रो रो के कहा, शी सॉफ्ट सिस्कियां भरते हुए कहा। सॉफ्ट मीन्स रोना, सॉफ्ट मीन्स सिस्की भरना। तो शी सॉफ्ट उसने सिस्कियां भरते पूछा। शी सॉफ्ट उसने सिस्कियां भरते पूछा कि व्हाट डिड गॉड मेक अदर फॉर गॉड। गॉड ने फादर्स को किस लिए बनाया है? हियर इज ए क्लीन हैंड की डॉडी। ये लो साफ रुमाल, हैंड रुमाल। हियर इज ये लो एक साफ रुमाल डॉडी। ब्लू योर नोज, नाक जिसको कहते हैं नाक छिड़कना, नाक छिड़को, नाक साफ करो। गो टू स्लीप, पैट सो जाओ। विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। सुबह सो के उठोगे तो ये सब भूल जाओगे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर। मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। बट ही वॉज सो अपसेट दैट ही वुड नॉट लिसन टू नाइट। बट ही वॉज सो अपसेट दैट ही वुड नॉट लिसन टू नाइट। एक बार और सुन लीजिए। But he was so upset that he would not listen tonight. लेकिन मैंने समझाने की कोशिश तो बहुत की। I tried to explain to father, father को, लेकिन वो इतना unhappy थे, इतना upset थे, इतना disappointed थे, इतना निराश थे कि आज की रात वो कुछ सुनना नहीं चाहते। इतने निराश थे कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते। बट द चाइल्ड नंबर फोर पर, लेकिन बच्चा कभी भूला नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जब उसने उनको देखा, फादर को देखा, चाइल्ड ने जब फादर को देखा तो सिक्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड, तो दोनों हाथ पीछे कर दिया जल्दी से, क्विकली भी जल्दी से दोनों हाथ पीछे कर दिया। एंड रेड कलर ब्लू इंटू हर चीक्स, और उसके गालों पर रेड कलर ब्लू, रेड कलर ब्लू मीन्स लालिमा दौड़ गई, और उसके गालों पर लालिमा दौड़ पड़ी।
and red color grew into her cheeks. The McDonald's lived next door. McDonald का परिवार पड़ोस में रहता था। मैकडोनाल्ड का परिवार पड़ोस में रहता था। दे हैड फाइव चिल्ड्रन, उनके पांच बच्चे थे। लुकिंग थ्रू द गैप, गैप में स्पेस इन द फेंस, फेंस में जो थोड़ा गैप था, उसी गैप से देखते हुए द लिटिल गर्ल सागर, लिटिल गर्ल ने उनको देखा। लिटिल गर्ल यहां है केजिया। लिटिल गर्ल कौन है? केजिया। द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। टैग जो है एक तरह का खेल है, एक दूसरे को पकड़ने का। फेंस में जो गैप था, उसी से देखते हुए लिटिल गर्ल ने उनको टैग, शाम को वक्त इनको टैग खेलते हुए द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पैकेट्स पॉकेट, ran down and down the flower beds, shaking with laughter. The mother with the baby, Mao on his shoulders, Mao उसके shoulder पर, two little girls hanging on to his coat, दो छोटी लड़कियां उसके कोट से लटकती हुई। पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, टू लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, कोट पॉकेट्स को पकड़ के लटक करके फ्लावर बेड्स के चारों ओर दौड़ रही थी, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से गिलगुल रही थी, शेकिंग विद लाफ्टर, हंसी से वो हिलडुल रही थी, शेक में झिलना डुलना। Once she saw the boys and sons, turned the hose on him, hose को पापा की ओर मोड़ते हुए, and he tried to catch them, और उन्होंने कोशिश किया boys को पकड़ने के लिए, laughing all the time, हमेशा हंसते 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 उन्होंने कोशिश किया, ट्राई किया उनको बॉयज को पकड़ने का। देन इट वॉज शी डिसाइडेड, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ पावर्स, अर्थात उसने ये डिसाइड किया
तब सी आया केजिया के लिए, केजिया ने डिसाइड किया, केजिया ने धारणा बना लिया कि देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ बॉदर्स, कि पापा अनेक प्रकार के होते हैं. अंडरलाइन देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ बॉदर्स, कि पापा, कि पापा अनेक प्रकार के होते हैं, कि पापा अनेक प्रकार के होते हैं. सडनली वन डे मदर बिकेम इल, मदर बीमार हो, एंड सी एंड ग्रैंड मदर, और सी मीन मदर और ग्रैंड मदर, वेंट टू हॉस्पिटल. लिटिल गर्ल वो घर पे अकेली थी विद अलिस, अलिस के साथ. द कुक, अलिस कौन है, उनका कुक है. That was all right in daytime, in the daytime. दिन के समय तो सब कुछ ठीक था. But while Alice was putting her to bed, लेकिन जब Alice उसको एजिया को बिस्तर पे लटा रही थी, तो she grew suddenly upset. Grew means became. सडनली ऑपरेट, काय को भयभीत हो गई, वो बिकेम हो गई सडनली एकाएक ऑपरेट भयभीत. तो उसे एकाएक डर लगने लगा, तो उसे सहसा डर लगने लगा. व्हाट शैल आई डू इफ आई हैव नाइटमेयर, क्या करूँगा जब बुरा सपना आएगा, नाइटमेयर, डरावना सपना. सियोग आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, तो उसने पूछा, तो आई हैव ऑफन नाइटमेयर, मुझे तो प्रायः डरावने सपने आते हैं. एंड देन ग्रैनी टेक्स मी ऑन टू इन टू हर बेड, और जब ऐसा होता है तो ग्रैंड मदर जो है वो मुझको अपने बेड पे कर लेती हैं. आई कॉन्ट स्टे इन द डॉर, मैं डॉर्क में अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी, आवाजें सुनाई देने लगती. अंडरलाइन इट ऑल गेट्स विस्परी, इट ऑल गेट्स विस्परी. मीनिंग आवाजें सुनाई देने लगती हैं, आवाजें सुनाई देने लगती हैं. I happen to have nightmare and then granny takes me into her bed. ये किसने कहा, केजिया ने कहा. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. अच्छी घोची लाओ ने बेचारे पापा को जगाने के लिए, जग जाएंगे.